हाय नमस्कार दोस्तों लोग, आज हम बात करते हैं कैसे एक लेनोवो मॉडल और उसका कुछ अलग मॉडल में IME इनवैलिड प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं और IME नुल प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसका पहले आप चैनल पहले देखे तो देख रहे हैं तो फिर आप ये चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़। अभी पहले आप दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए, उसके लिए डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। ठीक है, वो पहले का स्टेप है। ये दो नंबर स्टेप क्या है ना, ओपन किंग रूट एंड रूट योर एंड्रॉइड मोबाइल। किंग रूट ऐसा वाला एप्लीकेशन है ना, वो ओपन करके रूट ऑप्शन आता है उसमें, वो रूट करो आपका मोबाइल रूट हो जाएगा। ये रूट होएगा तो आपको IME ईजीली डाल सकते हैं। ठीक है, रूट नहीं हो आएगा तो आप री रूट करना चाहिए। ठीक है, रूट हो गया नहीं हो गया वो चेक करने के लिए आपको किंग रूट ऐसा ऐप है ना, उसका स्टेटस में आपको चेक कर सकते हैं आपका मोबाइल रूट हो गया नहीं हुआ। नहीं हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर भी रीरूट करेगा, रिस्टार्ट करके रीरूट करके चेक करो। ठीक है, रूट होने के बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा दो नंबर एप्लीकेशन चमेले फ़ोन ऐसा वाला एप्लीकेशन है ना, वो ओपन करके उसमें आपको एक दो बॉक्स आता है, उसमें आपको IME नंबर डालना चाहिए। एक IME नंबर होता है एक ही डालो, नहीं दो तो दो डालो। आपको मोबाइल का पीछे है ना स्टिकर, उसमें होता है IME नंबर, वो सीधा लिख के रखो और डालो। ठीक है, वो नहीं है तो दूसरा कोई भी किसी का भी IME नंबर डालो। ठीक है, वो डाल के बाद में अप्लाई न्यू IME नंबर ऐसा ऑप्शन है ना, वो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, वो क्लिक करेगा तो फिर आपको मोबाइल में IME नंबर हो गया तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होएगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मैन्युअली पावर ऑन पावर की प्रेस करके रिस्टार्ट करो, फिर चेक करो, ये कोड लगा के चेक करो। ठीक है,